उत्तर प्रदेश में अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में यूपी सरकार की तरफ से लगाए गए कथित दंगाइयों के पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी उन नेताओं के पोस्टर लगा रही है जिन पर या तो रेप का आरोप है या फिर वो रेप के केस में दोषी पाए गए हैं। ये पोस्टर ठीक उस पोस्टर के बगल में लगाए गए हैं जहां कथित दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए हैं। होर्डिंग में चिन्मय आनंद और कुलदीप सेंगर की तस्वीर के साथ स्लोगन भी लिखे गए हैं और पोस्टर के नीचे बाकायदा आईपी सिंह समाजवादी पार्टी लिखा गया है। तो अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है यूपी में। एक तरफ दंगाइयों के पोस्टर और एक तरफ बीजेपी के उन नेताओं के पोस्टर, उन विधायकों के पोस्टर जिन पर रेप का या तो दोष सिद्ध हो चुका है या फिर जो रेप के आरोपी बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने ये पोस्टर चिपकाए हैं। दंगाइयों का मामला जो है कोर्ट तक जा पहुंचा है। पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन अब है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जा पहुंचा है। इस पूरे मामले में हालांकि कुछ सामने अभी तक नहीं निकल के आया है। कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई थी जिसके बाद 3 जजेस की हायर बेंच जो है इस पूरे मामले में अब आगे सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को ये पोस्टर हटाने को कहा गया था। ये कहा गया था कि निजता का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरीके से किसी के नंबर, चेहरा और पता सार्वजनिक करना गलत है, ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी जो है वो भी इसमें कूद पड़ी है। विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो दंगाइयों के पोस्टर जरूर लगे थे लेकिन अब ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है और कहीं ना कहीं ये एक एंगल और समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगा कि उसे माइलेज इसमें मिले, थोड़ा बेनिफिट समाजवादी पार्टी भी इसमें राजनीतिक रूप से ले ले। बिल्कुल, देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूंगा। दरअसल 10 नब्बे चौराहा है जहां पर दंगाइयों के पोस्टर जो है लगाए गए थे। हालांकि पूरे शहर के कई चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। इन्हीं पोस्टर्स के बीच में कल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी कल रात को पोस्टर्स लगवाए थे लेकिन आपको पूरे शहर में कहीं भी वो पोस्टर दिखाई नहीं देगा जो आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के जो नेता है जिन्होंने पोस्टर्स लगवाए थे जिस पर चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर की तस्वीर लगी थी, वो अब आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। पूरे चौराहों से हटा दिया गया है। ये जो दंगाइयों के पोस्टर्स हैं वो ज़रूर मौजूद हैं लेकिन बाकी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगवाए गए, उनके नेता की तरफ से जो पोस्टर लगवाए गए, वो पोस्टर आपको नहीं दिखाई देंगे। अब ये पोस्टर्स कैसे हटे, किसने हटवाए, प्रशासन ने हटवाए, खुद आईपीसी ने हटवाए, ये अलग मसला है। लेकिन कल जिस तरीके से देर रात आईपी सिंह ने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने पोस्टर लगवाए और कहा कि ये बेटियों को सुरक्षित रहना जरूरी है, ये बलात्कारी नेता है और ये बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनकी तस्वीर लगाकर कम से कम जो पोस्टर को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है उसको एक नई, आप कह सकते हैं कि उसको और उस सियासत को और बड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि जब पोस्टर्स पर हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि योगी सरकार का ये फैसला बहुत गलत था और ये राजशाही का फैसला था, इस तरह से आप किसी के पोस्टर को नहीं लगा सकते, निजता का रहना। तमाम सियासी पार्टियों ने इसका मुखर विरोध किया था। सब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच कंस्टिट्यूट करने का फैसला किया तब भी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये योगी सरकार की हार है, उन्हें बैकफुट पे आना चाहिए और पोस्टर्स को उन्हीं हाथों से हटाना चाहिए जिन हाथों से लगाया गया। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स को लेकर हमलावर है समाजवादी बीजेपी पर और कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया, उनके नेता के जरिए लगाया गया, तो कहीं ये दिखाता है किस तरह से उत्तर प्रदेश में अब पोस्टर्स को लेकर वार छिड़ी हुई है सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच। हर पार्टी चाहती है कि इसके बहाने सियासत हो जाए, इसके पीछे मकसद पॉलिटिक्स हो सकता है। बीजेपी भी, माफ करिएगा, सरकार चाहती है कि बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स का ऐसा मौका हो सकता है, इसके लिए उनके लिए पोलराइजेशन हो सकता है। विपक्षी पार्टियाँ चाहती है कि इसका विरोध करके वो एक इनके विरोध में एक माहौल बना सकती है और वो लोग जो इनके विरोध में खड़े हैं, सरकार के विरोध में खड़े, इन पोस्टर्स के विरोध में खड़े हैं, उनके साथ जुड़ सके। तो दोनों पार्टियाँ, दोनों पक्ष जो है वो अपने आप को इससे जोड़कर सियासी नफा नुकसान देख रहा है, उसी के फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कल आईपी सिंह ने जो लगाया पोस्टर उसको आप इसी जरिए से जोड़ सकते हैं।
बिल्कुल विनोद, जो बात आप कह रहे हैं कि अब जो पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे वो कहीं नजर नहीं आ रहा, ये जरूर अब सोचने का विषय है कि क्या प्रशासन की तरफ से हटाया गया या फिर समाजवादी पार्टी ने खुद ही इस पोस्टर को हटा लिया। लेकिन अहम बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 16 तारीख तक ये दंगाइयों के पोस्टर जो है वो हटा लिए जाए, अन्यथा ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट होगा यहाँ पर। ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से पोस्टर हटाए गए हैं तो क्या इन पोस्टर्स जो कि दंगाइयों के लगाए गए हैं उनको हटाने की तैयारी भी अब की जा रही है या फिर ये इसी तरीके से चस्पा रहने वाले हैं? देखिए, जो पीछे मेरे पोस्टर आप देख रही हैं, ये पोस्टर न हटाया जाए इसकी लड़ाई ही सरकार लड़ रही है। इसीलिए सरकार जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी ताकि पोस्टर जो लगे हैं उसको हटाया नहीं जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 तारीख तक आपको पोस्टर हटा के एफिडेविट देनी है लखनऊ के कमिश्नर को और डीएम को, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि पोस्टर हटाया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले के लिए 3 जजों की एक बेंच गठित किया जाएगा और वो फैसले को वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। लेकिन ये कोर्ट के तरफ से नहीं कहा गया कि पोस्टर जो स्टे हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको स्टे किया जाता है, यानी अभी भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो सकता हो लागू है। ऐसे में 16 तारीख से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, बेंच कंस्टिट्यूट नहीं हो पाता है या कोई फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, तो हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 16 तारीख तक ये पोस्टर हटाने पड़ेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगर पोस्ट सुप्रीम कोर्ट कोई में से कोई निर्णायक फैसला नहीं आता है तो 15 की रात तक ये पोस्टर जो है सरकार हटा देगी और इसके बाद एफिडेविट जो है वो हाईकोर्ट में देगी कि हमने पोस्टर हटा दिए हैं। हालांकि ये हटाया ना जाए सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है, सरकार इस नहीं चाहती कि पोस्टर हटाया जाए, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन बहुत बड़ी कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली हो ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे, अब बेंच कब कंस्टिट्यूट होगा, कब वो फैसला देगा, इसमें वक्त लग सकता है। उससे पहले 16 तारीख आ सकती है, अगर 16 तारीख उससे पहले आती है बेंच कंस्टिट्यूट होने से पहले या फैसले से पहले तो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बिल्कुल, यानी कि सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है यहाँ पर। विनोद आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास लौटेंगे।